में नहीं पाया जाता, ये तो हमारे कुछ लोगों ने लूटा है उनको, गंगा जल महाप्रसाद बना बना के कईयों को लुटाया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, फिर से स्वागत है आप मन के मोर नवा व्लॉग वीडियो में। तो संगवारी हो, आज हरे 9 अगस्त, तो आज जो है हमारे गांव में आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो आप लोगों को आज के वीडियो में दिखलाते हैं कि यहां पे किस प्रकार से आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखलाते हैं। इधर जो है अभी हम लोग बड़े पारा में आ चुके हैं और अभी जो है इधर पूजा वगैरह करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग को दिखलाएँगे क्या क्या होगा। देख सकते हो पब्लिक का क्राउड बहुत ही ज़्यादा इधर पूरा भीड़। Thank you.
आदरणीय श्री ईश्वर कुलदेव ग्राम कोटेला ग्राम कोटवार आपसे निवेदन करता हूँ, श्री गौतम निषाद श्री राम स्वरूप निषाद जी आपसे भी निवेदन करता हूँ, आइएगा हमारा अतिथि स्वीकार कीजिएगा। आदरणीय श्री देवकरण पटेल श्री हसी पटेल श्री दिलीप विश्वकर्मा श्री प्रहलाद ठाकुर राजपूत समाज से हैं आप, श्री नारद रजक एवं श्री संतोष रजक वो भी समाज से हैं। आदरणीय श्री राम सुजीवर रंगारे जी और आदरणीय श्री आत्मा राम मेसराम जी बाहर समाज से हैं आप, और आदरणीय श्री पृथ्वीराज गजेंद्र और आदरणीय श्री अनिल नागे कलार समाज, आप सभी का इस मंच में स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन करो सम्मान्य श्री सतव राम यादव और सम्मान्य श्री भुवन यादव और आदरणीय श्री अनिल साहू किराना स्टोर अराउंड, आप सभी अतिथियों का हमारे ग्राम गोड़वाना समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अतिथि की आगामी परिपन है हमारे श्री देव जी। यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है, उस पर पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। जितने भी हमारे आदरणीय जन यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी से सर्वत निवेदन करता हूँ, आप अपने स्थान को टच करके आदिवासी समाज के बुढ़ादेव की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, दीप प्रज्वलित करेंगे। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जनपद सदस्य चारामा का तिलक बंधन के चंदन के साथ स्वागत कीजिएगा, जोरदार करता ध्वनि हो जाए, स्वागत हो जाए, अभिनंदन हो जाए। चलिए स्वागत की इस कड़ी को फैला को आगे बढ़ाते हुए और अतिथियों के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाइएगा, करता ध्वनि हो जाए। श्री रामदेव करता हूँ, चंद्रशेखर सोरी सूर्या सोरी आर्या भंडारी भूपेश पोया उमाकांत पोया धीरज सोरी धुमेश्वर पोया पूर्णिमा सोरी। जिंदा हो तो जिंदा नगर आना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा नगर आना चाहिए, और आपके दोनों हाथों में अगर दम है तो जोरदार ताली बजना चाहिए, जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो जाए एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, ये हुई ना बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली हो जाए। मुश्किलों से बाहर जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतहा होता है। उड़ने वाले को कुछ नहीं मिलता, उड़ने वाले को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आइए अभी जैसे बता के कृष्ण मुन्ना ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने अपना अथक प्रयास करके एक त्योहार जरूर प्रदान करने के लिए अपने जीवन को निर्वाह कर दिया, बलिदान कर दिया, ऐसे सामाजिक कार्य करते थे ठक्कर बाबा, उसका नाम है बिरसा मुंडा और जो बोला जाता है। और आदिवासियों की जो संस्कृति है वो अलग थलग है, बहुत सरल हृदय के होते हैं,
सच में नहीं पाया जाता, ये तो हमारे कुछ लोगों ने लूटा है उनको, गंगा जल महाप्रसाद बना बना के कईयों को लूट खाया है। जागरूक हुए जब हमारे अंकाल सर जी थे वहां पर बाज महोदय ने, मैं ट्रेनिंग देने गया था बस्तर में, 5 रुपया हिंदी का वो रेट था, दर था 5 रुपया। एक महिला आती है 5 किलो इमली बेचती है, अब वो जो खरीदने वाला तौलने वाला था वो होता है 5 × 5 = 15, 5 × 5 = 15, अब वो 15 रुपया दे रहा था। एक जन उठा फट खमाचो मारा, 5 × 5 = 25 होता है कि 15 होता है, ऐसे भी रुकने वाले थे। अब जागरूक हो गई है आदिवासी समाज, बड़े बड़े पदों में आसीन है, बड़े आज कलेक्टर को देखो और हमारे भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति हैं उनको देखो, बहुत बड़े 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 पदों में आसीन है, जिनके अथक प्रयास से हुआ है सब, प्रयास करो तो सब चीज मिलता है। और ये जो प्रतीक देख रहे हैं आप लोग ये झंडा में, बताइए किसने बनाया है इस प्रतीक को, कोई बता सकते हैं? तो बांग्लादेश के चकमा रेवांग, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी ध्यान देंगे, बांग्लादेश के चकमा रेवांग युवान ही इनको अथक प्रयास करके ये प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। कब से प्रतीक चिन्ह चल रहा है पढ़ने वाले ध्यान देंगे, कभी कोई चीज में पूछा जाएगा, मैं मास्टर था इसलिए मुझे याद है, और मैं इंटरव्यू 2 दिन का है, आने वाले सत्र तक ये कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये हमको संदेश देता है विश्व बंधुत्व की भावना, कि हम ये संसार में एक ऐसा कहें हम आपस में भाई भाई हैं, चाहे हम 12 जाति निवास करें, चाहे 14 जाति निवास करें, 10 जाति निवास करें, हम सभी सारा आमंत्रित हैं एक दूसरे की संस्कृति को जाने, धर्म को जाने, किसी के बारे में कटाक्ष न करें। हमारे कभी कभी हो जाता है, एक महोदय ने कहा कि कैसे भाई लोग आगे आए हैं, अरे बिल्कुल आगे आए हैं, मैं एक प्रमाण से ही बता दूंगा कि आदिवासी पहले आए हैं, पहले भी हमारे बड़े बड़े सियान यहाँ जीवित थे, तो कहते थे ठाकुर आपका एक गढ़ है, आप खुदा काट के बैठो, हम लोग पीछे आए हैं। जिनको समझ नहीं आता उनको कहता हूँ मेरे साथ बहस करने के, मैं तैयार हूँ करने के, आदिवासी मूल निवासी है और उनके घर में हम लोग सब बैठे हैं, इसमें किसी प्रकार की और कमेंट टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम मिलजुल करके रहें, भाईचारे के साथ रहें, किसी भी प्रकार की ऐसा परिस्थिति आने ना दें, अपने गांव में कोई छोटी सी जमीन के लिए, छोटी सी और कुछ बात के लिए वही हो वही मिल जाओ, तब हमारा कार्य अच्छे से चलेगा। गाँव के विकास के लिए सोचे, सामाजिक संगठन के लिए सोचे, अपने अपने समाज में सब स्वतंत्र है, जाके बैठो समाज के विकास के लिए कुछ काम करो, अनुशासन में रहो, कितनी अच्छी अनुशासन लग रही थी जब यहाँ से रैली निकली बड़े पार्क तक, फिर वहां से यहाँ तक आई, ये अनुशासन के मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ आदिवासी समाज के बालाओं को और बालिकाओं को, साथियों को, जिन्होंने हमको अच्छा संदेश दिया कि वो बिल्कुल क्रम वही चले, क्रम से आए क्रम से बैठे, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। और अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, बोलिए बुढ़ा देव की मजे। चलो छोटे बेदा पटाखा आपके नाम चुप, बेदा पटाखा काम था ना, छोटे रखे फिर बड़ा आवाज रखे। केरीना भंडारी ग्राम अरौल से छोटी सी बेटी आ रही है और आपके मनोरंजन के लिए सुंदर नृत्य और गीत लेकर आ रही है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जन्म देती है बेटियां, चाहते हैं बेटों को जन्म देती है बेटियां, बोते हैं बेटों की फसल तो आती है बेटियां, नाम लेते हैं बेटों का नाम करती है बेटियां, आराम देते हैं बेटों को काम करती है बेटी, काम करती है बेटियां, और इन बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।